हेलो एवरीवन, की हाल चाल है जी थोड़ा सब दा। आई होप तुसी सब वधिया होवोंगे, अपने घरां दे विच सेफ होवोंगे। ते चलो जी अज दी वीडियो शुरू करदे आं। अज दिन हैगा वीरवार, ते मॉर्निंग दा टाइम है। मॉर्निंग दे मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हाँ, नाश्ता वगैरह इत्थे होके हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके ने, ते मैं इत्थे बर्तन क्लीन करके सारा साफ सफाई दा मेरा काम हो चुका है। बस किचन साफ करनी बची सी, ते इत्थे मैं पानी भर के भी बॉटल्स रख दूंगी, तो पानी भी भर गया है। तो इतने मैं हूँ जड़ा एक हैंड वॉश की बोतल जी भर के रख लगी हाँ। एक्स्ट्रा एक हैंड वॉश जड़ा है मैं नीचे लैके जाना है। नीचे जो टाइसन घुमा के आने या बाहरों असी कोई काम करते हैं, नीचे भी कोई काम करते हैं, फिर नीचे हाथ धोने के लिए उत्थे मैं एक सोप रख्या होया सी पहला, पर हूँ मैं सोचा कि उत्थे हैंड वॉश लै जानी हाँ, क्योंकि लिक्विड सोप ना हैंड वॉश करने थोड़े आसान रहेंगे आ। तो जो उ साबण रख्या होया सीगा, मतलब कि सोप, वो ना की होंगे कि उत्थे कुछ ना कुछ कोई ना कोई मतलब काढ़े कीड़े वगैरह होंगे आ, तो फिर वो थोड़ा ना अनहाइजीनिक जिहा लगता है। सो मैं सोचा भर लवान, तो मैं रोज़ याद भुल जाता है। अज मैं सोचा सी कि याद ना यही काम करना ही है। तो इतने मैं देखो किस तरह बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के इनू खाली कर रही सी। साडी सारयां दी आती हुंदी आ कि बिल्कुल विचों ना माड़ा भी ये रह नहीं देना, लिफाफे दे विचों असी सारा काढ़ लिए। लिफाफा मीनस आ पैक जिहदे विच हुंदा आ, असी आम पंजाबी सीधी जिदा बोलते हैं ईजी जी, उदा ही मूँह चो निकलती है। तो हुण मैं ये भर दिता है हैंड वॉश, तो मैं ये कैप लगा दूंगी, तो इनू मैं साइड पर रख देना है। फिर मैं जो नीचे जाऊँगी फिर लै जाऊँगी, जा मैं छोटी वाली बोतल लै जाऊँगी नीचे, तो बड़ी वाली इतने रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा किचन के हैंड वॉश यूज़ हुंदा आ। तो नीचे तो जे असी कि बाहर आने जाने तो ही यूज़ होंगे आ, असी मैं तो घर में रहनी हाँ, कि बाहर आना जाना मेरा होंगे नहीं है। हूँ तो वैसे भी श्राद्ध चल रहे थे, तो कि वैसे ही नहीं गए है। तो इतने मैं ऑयल आ राती मैं भले इतने फ्राई किए से, सूजी के भले बनाए सी, तो ट्राई करके देखे से। सो ऑयल राती मैं पाना सी बोतल, तो राती गर्म बहुत सीगा ऑयल। सो मैं हूँ वह भी खाली करके, तो सारी किचन जी है मैं हूँ क्लीन कर देनी है, सारा काम मुका के बस सिर्फ जो लंच की तैयारी करनी है उ रह जूगा काम, तो बाकी सारा काम मेरा मुक जूगा इतने किचन का। बोतल दे विच ऑयल पानू मैं आ यूज़ कर दी हाँ, पता नहीं इनू की कहें, मैं तो इनू कुप्पी जी कहनी हाँ। मैनू तुसीं कमेंट करके दस्सियो इनू की कहें, पता नहीं मैनू नाम याद भी सी पर हुण मेरे मूँह च नहीं आ रहा नाम। ये ना बोतल च आसानी ना पै जांदा आ ऑयल, तो इतने थोड़ा जिहा बोतल दे बाहर लग गया ऑयल मेरे कोलो, तो मैं बोतल नू हुण इतने वॉश कर देना आ। तो बोतल नू वॉश करके फिर मैं जिहड़ी कढ़ाई दे विच ऑयल सीगा उहनू ते जिहदे नाल मैं ऑयल पाया आ उहनू भी वॉश कर दूंगी। इतने मैं इन्हां तां करके बोतल नू वॉश कर रही हाँ, क्योंकि जे मैं सिंपल पानी नाल वॉश करा तो ये चिकन आई रह जानी आ, तो करके इतने मैं सोप ना कर रही हाँ। मैनू बाद विच याद आया कि मैं तो सिंपल स्प्रे मार के भी कपड़ा मार सकती सी, पर मैनू दिमाग दे विच ही नहीं रहा। चलो कोई गल नहीं, फिर अगे तो कर लवेंगे। तो इतने बोतल नू मैं वॉश करके रख दिनी हाँ, तो वो जी जिन्ना मैं ऑयल पाया उन्हूं ब्रश नहीं साफ कर होना आ, क्योंकि वो जो सुराख आ वह छोटा जिहा है, तो वह ब्रश नहीं क्लीन होना आ, तो मैं उन्हूं उस तरह ब्रश ना क्लीन कर दूंगी। तो फिर क्योंकि जे बेच थोड़ा जि भी कितने भी तेल लगा रह जाए तो वेद चिकनाहट जी हो जाती है, तो फिर वो चिकनाहट के उपर डस्ट जी जमनी शुरू हो जाती है, तो वह फिर देखने बहुत गंदा लगता है। तो इनू भी नालों नाल वॉश कर देने, तो हूँ मैं कढ़ाई भी नाल वॉश कर दूँगी, तो कढ़ाई वॉश करके मैं जोड़े भांडे पहला मांज के रखे आना च रख दूँगी, क्योंकि जो भांडे सारे सुकू गए इन्हों मैं उदों ही चिणूंगी, चिणूंगी मतलब रखूँगी उदों ही सारियां नूं इन्हां दी जगह ते रखूँगी, थाओं थाई जिथे इन्हां दी जगह हुंदी आ। तो जिन्ना मर्जी जगह ते रख लो, पर फिर जरूरत हुंदी आ ते फिर चक हो जांदे आ, फिर माज के बाद चो बकेट च रख हो जांदे आ। एक घर च तीन चीज़ां कदी खत्म नहीं हो सकदियां, पहली सफाई, दूसरी कपड़े धोना, तो तीसरा भांडे मांजना। जदों भी किचन च आ जाओ कोई ना कोई भांडा मांजन लई पिया हुंदा आ, जिन्हें मर्जी कपड़े धो लो थोड़े टाइम बाद फिर कपड़े धोने वाले हो जाते, तो सफाई तो कभी उदा ही नहीं मुक सकती। एक सफाई इदा की चीज़ है, बंदा जिनी मर्जी कर ले पर खत्म होने का नाम नहीं लेंदी हैगी। सो चलो ये तो बाद दी गल्लां आ, घर का काम कभी मुक ही नहीं सकता है। असी हर काम जल्दी जल्दी करके
अपना टाइम थोड़ा जिहा बचा सकते हैं, थोड़ा जिहा टाइम अपने लिए भी कढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे नूं अपने लिए टाइम कढ़ना चाहिए आ। अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए है, क्योंकि लाइफ एक असी इत्थे कढ़न तां आए नहीं हैगे। सो सारिआं नूं अपनी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, तो तुसीं भी अपनी लाइफ इंजॉय करिआ करो कम करन दे नाल नाल। जिन्ना क जरूरी होवे कम उन्ना कर लो, बाकी बाद विच कर लो, तो थोड़ा टाइम अपने लिए कढ़ लो। जिवें मैं भी घर दे विच कल्ली आ, सारा काम मैनू करना पैंदा, पर फिर भी कम करके मैं थोड़ा जिहा टाइम अपने लिए कढ़दी हाँ। भावें असी 10 तों 15 मिनट ही कढ़ीए, पर अपने आप नूं पैंपर करना जरूरी हुंदा, क्योंकि जे असी खुश रहांगे तो साडा काम करन च मन भी ज़्यादा लगेगा, तो साडा घर भी ज़्यादा साफ सुथरा रहेगा। तो देखो किचन मेरी सारी क्लीन हो चुकी सी, काम मेरा सारा खत्म हो गया सी, पर इत्थे ना जिहड़ा ग्राइंडर आ ये साफ करना सी। मैं थोड़ा जिहा मैं काफ़ी दिन हो गए सी देखदी नूं, इहनूं जदों भी मैं सिंपल कपड़े ना साफ करदी हाँ इन्ना वधिया साफ नहीं हुंदा सी। सो मैं सोचिया कि स्प्रे ना इहनूं चंगी तरह साफ कर दिंदी हाँ, नहीं तो ये फिर की आ वाइट हैगा आ ते गंदा जल्दी हो जाता। देखो ये ना जदों भी कुछ भी असी पीसते हैं तो थोड़ा जिहा ड्रॉप कुछ ना कुछ निकल जाता है। हुण तां टाइसन दे लई जदों कभी एप्पल पीसना होवे जां कुछ करना होवे ते उहदे नाल ये थोड़ा गंदा हो जाता है, तो मैनू गंदा कोई भी चीज़ चंगी नहीं लगती हैगी। तो ही मेरी आदत आ कि जे सफाई करनी है तो चंगी तरह करो, जे नहीं करनी है तो फिर रहन दो, फिर अज नहीं तो कल कर लवेंगे, पर जे करन लगे हैं तो फिर चंगी तरह कर दो। तो सो मैं इतने इनू स्प्रे करके फटाफट साफ कर देना है कपड़े ना, इन्ना ज़्यादा गंदा भी नहीं हैगा, बस वो थोड़ा जिहा लगा सी। तो इतने मैं कपड़े ना पहला साफ कर दिता, बाद चो मैनू याद आया कि कपड़ा है ना मैं सैल्फ साफ की हुई सी, तो थोड़ा जिहा कुछ भी सैल्फ ते गिरिया हुंदा आ ते वो कपड़े दे विच लगा हुंदा ते फिर इत्ते लगना शुरू हो जाता है। सो मैं कपड़े नूं धोता ते दोबारा इहदे ते फेर दिता आ, ते ये बिल्कुल देखो साफ हो गया। पहला किन्ने ते दाग जे सीगे, पर स्प्रे ना बिल्कुल चंगी तरह साफ हो गया। ये स्प्रे मैं तां ही सुजैस करदी हां सारिआं नूं किचन क्लीनर, क्योंकि साढ़े काम जिहड़े आ काफ़ी सौखे हो जाते इहदे ना, नहीं तो साडा जिहड़ा घिसा घसाई वाला काम हुंदा है हर चीज़ नूं साफ करी जाना वो ज़्यादा दिक्कत दिंदा है। कूचा फड़ के सानूं बहुत ज़्यादा घस घासना पैंदा, पता नहीं की हुंदा उहनूं घिस, जिहनूं पंजाबी च कहिंदे, पंजाबी च तां पता नहीं की कहिंदे आ, हिंदी च कहिंदे घिसना पड़ता है जैसे कहिंदे हुंदे आ ना, हाँ वो करना पैंदा है। चलो आई होप तुसीं समझ ही गए होंगे मेरी गल मैं की कहना चाहुंदी हाँ। तो इतने मैं नाल ही सारी सैल्फ ते जिहड़ा थोड़ा बहुत पानी होया सी उहनूं भी साफ कर दूंगी, क्योंकि जे पानी साफ ना किया फिर उहदे दाग धब्बे रह जाने आ। तो फिर मैं सोचिया कि टाइसन दी इतने जिहड़े विटामिनस वगैरह आ कैल्शियम वगैरह ये भी बॉटल्स धो के रख दिनी हाँ, क्योंकि जे एक अद्धी ड्रॉप भी बॉटल ते लगी रह जाती है तो बॉटल्स के उपर कीड़ियाँ चढ़ जांदियां आ, पता नहीं इहदी दवाई च की है इदां दा इहदे विच विटामिनस च। सो मैं क्या बॉटल्स धो के रख दिनी हाँ, ते तां मैं हुण जिहड़ा इह सीगा कूचा भी सीगा इह भी सोप दे विच्चों कढ़ के सोप वाले विच्चों कढ़ के साइड ते रख दिता आ। इह साइड ते मैं एक ना बकेट जी टाइप आ उह रख्या होया, सारे मैं कूचे वगैरह ये रखती हाँ, वो ना कि साबण साडा ज़्यादा खराब भी नहीं हुंदा हैगा, तो ये नीचे छेक आ तो कूचे जल्दी सुक जाते हैं तो सारा पानी एक्सट्रा जिहड़ा निकल जाता है। तो जिहड़ा हुण मैं किचन टावल आ इहनू भी धो दूंगी, क्योंकि किचन मेरी सारी साफ हो चुकी है, तो किचन टावल नूं मैं धो के रख दूंगी, क्योंकि हुण मैनू इहदी जरूरत सिर्फ दोपहर नूं जाके पैनी आ, तो मॉर्निंग दे मेरे सारे काम खत्म हो गए आ। आई थिंक मॉर्निंग का 10:30 या 11 बजे तक का टाइम होना है, तो मेरे घर के सारे ही काम खत्म हो गए हैं साफ सफाई वाले, सिर्फ साफ सफाई वाले, बाकी काम तो हजे पे आ, जिमें कि अज मैं कपड़े नहीं धोने आ तो ना ही अज मैं झाड़ू पोचा करना आ। सो अज मैं जिहड़े आ कपड़े प्रेस करूँगी जिहड़े धो के रखे हुए सी, क्योंकि मैं इदा करती हुंदी हाँ कि जिहड़े कपड़े धोते होंगे, वैसे तो हुण असीं सोचिया कि संडे दी संडे कपड़े धोया करने, तो क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़े धो के बार बार मशीन भी लगाई जाओ तो किन्ना टाइम भी खराब हुंदा आ। सो साढ़े इन्ने कपड़े भी नहीं हुंदे हैगे, असीं दोवे ही तो जाने आ, तो साढ़े ज़्यादा कपड़े नहीं हुंदे क्योंकि साढ़े को इन्ने क कपड़े हैगे कि असीं हफ्ता आराम ना नंगा सकते हैं, तो एक सिर्फ जदों संडे दी संडे असीं कपड़े धोने आ साढ़े अद्धे घंटे विच सारे कपड़े धो हो जाते हैं, अद्धा घंटा या एक घंटा लगता है ऑलमोस्ट, तो सारे कपड़े डन हो जाते हैं, तो टाइम भी बचता है, तो पानी वगैरह भी सेव हुंदा है क्योंकि असी इकट्ठे सारे कपड़े धो लेने हैं। जे असी कल्ले कल्ले करके धोईए तो जे मैं सोमवार धोवा या बुधवार धोवा फिर शुक्रवार धोवा तो कल्ले कल्ले कपड़े धोने उन्ना ही पानी लगेगा, तो इकट्ठा जे एक बार पा देंगे
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਦਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਟੈਬਲੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਨਿਕਲਣ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਢੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਹਜੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਜੂਗੀ ਅਤੇ 1 ਸੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਮਾਡੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੈਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟਾਈਸਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਕਦੀ ਸੌਕਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਟੋਏ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।